वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। भाजपा से निष्कासित पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें अब लगातार एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं और बहुत बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। यूपी पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी सहित 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अब 2 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। अब जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है और परेशान कर देने वाला भी। अब जो खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि इस हिंसा के मामले में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी यहाँ पर शामिल किया गया था, यानी अब यूपी पुलिस की रडार पर वो बच्चे भी हैं जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं। हिंसा के दौरान इन बच्चों ने जमकर पत्थरबाजी की थी और बम भी फेंके थे। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू की थी, तो ऐसे कई चौंकाने वाले खुलासे अब हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि जिले में हिंसा कराने के लिए मदरसे के बच्चों को पैसे तक दिए गए थे ताकि वो उनका काम करें और सड़क पर पत्थरबाजी करें। यहाँ तक कि हिंसा से पहले उन्हें कई बार बिरयानी भी खिलाई गई थी, साथ ही बच्चों को मजहबी कट्टरता का पाठ भी पढ़ाया गया था। यानी कि मदरसे में जिन बच्चों को तालीम लेने के लिए भेजा जाता है उन्हें ये मजहबी कट्टरता का पाठ पढ़ाकर ऐसी बातें सिखाते हैं जिससे वो सड़क पर पत्थरबाजी करें और पुलिस को उन पत्थर का शिकार बनाए। यूपी पुलिस के मुताबिक बच्चों का हिंसा में शामिल होना बेहद गंभीर बात है। NCPCR ने इसका संज्ञान लेते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा को जांच का आदेश दे दिया है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि नाबालिग बच्चों को रुपए देकर हिंसा के लिए डाइवर्ट किया गया था। आपको बता दें यूपी पुलिस ने यह भी कहा है कि बच्चों तक फंड सीधे नहीं बल्कि अलग अलग चैनल से भेजे गए, यानी इलाके के नेताओं और गली मोहल्ले के लोगों से रुपए बंटवाए गए थे, जिससे तय समय पर सैकड़ों नाबालिग हाथ में पत्थर लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी की और बमबाजी तक भी की। अब इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक बड़े कई खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब ये भी सामने आया है कि इस घटना के 48 घंटे पहले ही चरमपंथियों और कट्टरपंथियों ने सुनियोजित तरीके से बोतलों में पेट्रोल इकट्ठा कर लिया था और ये तैयारी पहले से कर रखी थी कि हिंसा यहाँ पर फैलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।